Afternoon, guys, and let's continue with thermodynamics. Now, today we'll start with Gibbs free energy. Now, guys, in case of thermodynamics, we have dealt till entropy. ठीक है, and entropy थी क्या? मुझे बताओ, entropy is what? Entropy is measurement of randomness, कि सिस्टम में randomness कितने लेवल तक है. अब एंट्रोपी का यूज कहां पे आ रहा था? तो एंट्रोपी का यूज आ रहा था दैट इफ एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज पॉजिटिव देन सिस्टम इज स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस. याद होगा तुम लोगों को, ठीक है. इफ एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, जिसे हम लोग टोटल एंट्रोपी भी बोलते हैं, इज नेगेटिव, देन रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस. Correct. And when entropy of universe is constant, मतलब it is neither increasing, it is neither decreasing, it is equals to zero, ठीक है? Change in entropy is zero. At that time, system is at equilibrium. यार ये ऐसा कुछ हम लोगों ने देखा था. अब guys, इसके बाद problem इसमें एक ही थी कि entropy of universe अगर मुझे निकालना है तो मुझे entropy of system के साथ भी deal करना है. तो मुझे एंट्रोपी ऑफ सिस्टम के साथ भी डील कर रहे हैं एंड मुझे एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग के साथ भी डील कर रहे हैं एंड ये मुझे नहीं चाहिए था. मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो ये चीज मुझे अवॉइड करनी थी. तो इसके लिए मतलब मुझे एंट्रोपी ऑफ सिस्टम में इंटरेस्ट है. इन दिस थिंग वी आर इंटरेस्टेड, इन दिस थिंग वी आर इंटरेस्टेड, बट दिस इज नॉट रिक्वायर्ड. इसके बारे में हम लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है. तो एंट्रोपी ऑफ सिस्टम हम लोग काउंट कर रहे हैं, चलो अच्छी बात है. सिस्टम के बारे में हम लोगों को जितनी चीजें पता चले वो अच्छी बात है, बट सराउंडिंग की चीजें हम लोगों को कुछ लेना देना नहीं है, तो वो हम लोगों को अवॉइड कर रहे थे. तो टू ओवरकम दिस लिमिटेशन वी केम विद अ न्यू फंक्शन विच इज गिब्स फ्री एनर्जी. गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है जी. नाउ गिब्स फ्री एनर्जी इज नथिंग बट useful energy, useful energy of the system. Guys, useful energy मतलब क्या? तो system के अंदर तो बहुत सारी energy रहती है, but उसमें से छोटा सा fraction जो है वो useful energy में convert होता है, उसे हम लोग बोलेंगे useful energy, ठीक है. तो अब इसका formula जो है वो रहता है Gibbs free energy is equals to H माइनस टीएस, ठीक है. अब ये फॉर्मूला हम लोगों को मिल गया एंड इसका अगर मुझे चेंज निकालना है तो डेल्टा जी का फॉर्मूला आता है डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है. अब याद रखो, जहां पे मैं सिस्टम नहीं लिख रहा हूँ वो सिस्टम ही है, मतलब जब सराउंडिंग की मेंशन होती है या फिर यूनिवर्स आता है तो हम लोग यूनिवर्स और सराउंडिंग ऐसे लिखते हैं, बट अगर कुछ भी लिखा नहीं होगा तो दिस स्टैंड्स फॉर सिस्टम, ये तुम लोगों को पहले से पता रहना चाहिए, ठीक है. अब लास्ट टाइम हम लोगों ने गिब्स फ्री एनर्जी स्टार्ट कर दिया था, चलो अच्छी बात है, तो ये रिवीजन मिल गई तुम लोगों को थोड़ी सी. अब गाइस, इसकी डेरिवेशन कैसे आती है? पहली बात, मतलब मेरी इक्वेशन क्या थी? तो मेरी इक्वेशन ये है दैट डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स इज नथिंग बट डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग. ये मेरी इक्वेशन है. अब इसमें मुझे ये सराउंडिंग वाली टर्म जो है ना, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय मी, तो इसे मुझे अवॉइड कर रहा है. इसे मुझे क्या कर रहा है? अवॉइड कर रहा है. तो इसे मैं अवॉइड कैसे करूंगा, मुझे बताओ. इसको मैं कैंसिल आउट कैसे करूंगा? तो सराउंडिंग के लिए मुझे ऐसा कोई एक पैरामीटर ढूंढना पड़ेगा जिससे मैं सराउंडिंग की एनर्जी को कन्वर्ट कर पाऊँ सिस्टम के टर्म्स में, ठीक है. तो गाइस, पहली बात, मतलब मुझे बताओ एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या रहता है. पहली बात मुझे बताओ एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या रहता है. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एंट्रोपी? Q upon T, very nice, correct बोल रहे हो. Q upon T, ठीक है. Actually ये Q reversible upon T रहता है, but हम लोग Q upon T सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं. अब guys, मेरे पास एक system है, समझ लो मेरे पास यहाँ पे एक reaction हो रही है. Reaction बहुत simple है. I have a balloon and balloon जो है वो combust हो रहा है, ठीक है. Hydrogen का मेरे पास एक balloon है. ठीक है, इस balloon के अंदर hydrogen gas है. एंड हाइड्रोजन गैस में रिएक्शन क्या होती है गाइस?
मुझे बताओ हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन क्या होती है। तो हाइड्रोजन गैस H2+O2 इट रिएक्ट्स टू फॉर्म 2H2O। सिंपल रिएक्शन होती है ये, तुम लोगों को पता भी है रिएक्शन। अब गाइस मुझे बताओ इन दिस रिएक्शन एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन गैसियस फॉर्म। ये गैस फॉर्म में था, ये गैस फॉर्म में था, ये गैस फॉर्म में था। तो इनिशियली मेरे पास तीन गैस के मॉलिक्यूल थे जो प्रोडक्ट के टाइम पे दो हो गए। मुझे बताओ एंट्रोपी इज पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर दिस रिएक्शन। एंट्रोपी इज पॉजिटिव और नेगेटिव। डेल्टा एस ऑफ दिस रिएक्शन इज पॉजिटिव और नेगेटिव। बताओ जल्दी बताओ इस रिएक्शन की एंट्रोपी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वेरी नाइस मिथ, करेक्ट आंसर बोल रहे हो। एक को ही आंसर आ रहा है क्या एंट्रोपी का। मुझे बताओ नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। अरे जल्दी बताओ, यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे दो गैस के मॉलिक्यूल्स है, रिएक्टेंट साइड पे तीन गैस के मॉलिक्यूल्स है। तो मुझे बताओ एंट्रोपी बढ़ रही है या कम हो रही है। डेल्टा एस पॉजिटिव और नेगेटिव, आदित्य करेक्ट आंसर है। तो गाइस यहाँ पे नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स कम हो रहा है, तो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स अगर कम हो गए तो रैंडमनेस भी कम होगी। रैंडमनेस कम होगी तो डेल्टा एस नेगेटिव, कम हो गया ना तो नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, तो सिस्टम, ये मेरा सिस्टम हो गया, याद रखो दिस इज माई सिस्टम। ये जहाँ पे रिएक्शन हो रही है इसे हम लोग बोलते हैं सिस्टम। आजू बाजू वाला जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उसे हम लोग बोलेंगे सराउंडिंग। एंड इन दोनों को ऐड करने के बाद मुझे मिलता है यूनिवर्स। ठीक है, अब मुझे बताओ तुम लोगों के घर का या फिर तुम लोगों के बाजू वाले के घर का या फिर तुम्हारे बिल्डिंग में किधर, तो अगर सिलेंडर ब्लास्ट हो जाए, ठीक है हम लोगों के घर पे LPG सिलेंडर्स रहते हैं, तो वो अगर ब्लास्ट हो जाए तो क्या होगा। मुझे बताओ तुम लोगों के एनवायरमेंट की, मतलब तुम लोगों के सराउंडिंग की एनर्जी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। एनर्जी बोलने के बदले एंट्रोपी। तुम लोगों के घर में या फिर तुम लोगों के नेबर के घर में या फिर तुम लोगों के बिल्डिंग में किधर, तो अगर सिलेंडर ब्लास्ट हो जाए, सिलेंडर मतलब ये हम लोगों के H2 गैस का बलून समझ लो, ठीक है, वो ब्लास्ट होने के बाद सराउंडिंग की एनर्जी या फिर सराउंडिंग की एंट्रोपी क्या होगी। यहाँ पे ब्लास्ट होने के बाद सराउंडिंग में जो गैस मॉलिक्यूल्स थे उनकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी। बताओ बताओ, ये गैस मॉलिक्यूल्स से भरा पड़ा था एंड जैसे ही ब्लास्ट हुआ मुझे बताओ सराउंडिंग की एंट्रोपी क्या हुई। सराउंडिंग की एंट्रोपी इंक्रीज हो गई। वेरी नाइस। तो गाइस याद रखो एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, ठीक है, एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग जो है वो इंक्रीज होती है, वो इंक्रीज होती है, बट सिस्टम की एंट्रोपी कम होती है। अब मुझे बताओ तुम लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट किसमें है, सिस्टम में या सराउंडिंग में। तो हम लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट सिस्टम के अंदर है। सराउंडिंग के एंट्रोपी से मुझे कुछ भी लेना देना नहीं था, तो मुझे अब सराउंडिंग के एंट्रोपी के बारे में थोड़ा बहुत कुछ तो सोचना पड़ेगा। तो गाइस देखो पहली बात, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हीट ऑफ सराउंडिंग अपॉन टेम्परेचर। ठीक है, हीट ऑफ सराउंडिंग अपॉन टेम्परेचर। अब गाइज मुझे बताओ सराउंडिंग, पहली बात हाइड्रोजन ब्लास्ट हो रहा है, बलून ब्लास्ट होगा तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक है। ब्लास्ट होते वक्त हाइड्रोजन हीट बाहर इवॉल्व करेगा या हीट, मतलब हाइड्रोजन हीट रिलीज करेगा या हीट एब्जॉर्ब करेगा, बताओ। एक्सोथर्मिक है, हाइड्रोजन इज इन रिलीजिंग सम हीट। करेक्ट, हाइड्रोजन ने क्या किया, हाइड्रोजन ने हीट रिलीज की, हाइड्रोजन ने हीट रिलीज की एंड वो हीट किसने एब्जॉर्ब की, बताओ जरा। हाइड्रोजन ने जो हीट रिलीज की वो हीट किसने एब्जॉर्ब की, वो हीट किसने एब्जॉर्ब की, सराउंडिंग ने एब्जॉर्ब की। करेक्ट बोल रहे हो। तो गाइज कैन आई राइट डाउन दैट हीट रिलीज बाय सराउंडिंग, हीट हीट रिलीज बाय सिस्टम इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड बाय सराउंडिंग। करेक्ट है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है। ठीक है, अब मुझे बताओ जितनी हीट सिस्टम रिलीज करेगा उतनी हीट अगर सराउंडिंग एब्जॉर्ब करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर सिस्टम ने समझ लो -100 जूल की हीट रिलीज की, माइनस मतलब क्या रिलीज की, सिस्टम ने अगर 100 जूल की हीट रिलीज की तो सराउंडिंग की हीट चेंज कितनी आएगी। तो सराउंडिंग का हीट चेंज कितना आएगा बताओ, अगर सिस्टम ने 100 जूल की हीट रिलीज की तो सराउंडिंग का हीट चेंज कितना आएगा, बताओ बताओ। तो सराउंडिंग का हीट चेंज कितना आएगा, तो सराउंडिंग का हीट चेंज +100 जूल आएगा। अरे करेक्ट और रॉन्ग ये समझ में आ रहा है क्या। देखो अगर सिस्टम 100 जूल की एनर्जी रिलीज कर रहा है
तो सराउंडिंग 100 जूल की एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो दोनों माइनस एक अगर रहेगा तो दूसरा प्लस रहेगा, एक अगर प्लस रहेगा तो दूसरा माइनस बन जाएगा। ये समझ में आ रहा है? गेटिंग इट? ओके, तो अब यहां पे Q ऑफ सिस्टम इज माइनस Q ऑफ सराउंडिंग, ठीक है। एंड जब ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, या फिर Q ऑफ सराउंडिंग और Q ऑफ सराउंडिंग इज माइनस Q ऑफ सिस्टम, अब हम लोग जब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो व्हाट वी विल गेट, तो वी विल राइट डाउन डेल्टा S ऑफ सराउंडिंग इज नथिंग बट माइनस Q ऑफ सिस्टम अपॉन टेम्परेचर। एंड गाइज मुझे बताओ, अब तुम लोगों को सराउंडिंग की वैल्यू सिस्टम के टर्म्स में मिली या नहीं मिली? तुम लोगों को एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग ये सिस्टम के टर्म्स में दिख रही है, ये समझ में आ रहा है क्या? एंड नाउ आई कैन राइट डाउन दैट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, नाउ आई कैन राइट डाउन दैट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर क्यू ऑफ सिस्टम इज नथिंग बट डेल्टा एच, ये हम लोगों को पता है डेल्टा एच ऑफ सिस्टम, ठीक है। तो डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग बन जाएगा माइनस डेल्टा एच ऑफ सिस्टम अपॉन टेम्परेचर, ठीक है। तो गाइस फाइनली मुझे क्या मिल रहा है, मेरी इक्वेशन थी डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल्स टू डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, बट इसमें प्रॉब्लम क्या था, मुझे सराउंडिंग नहीं चाहिए था। बट गाइज अभी सराउंडिंग को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, सिस्टम के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया, तो डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स इज नथिंग बट डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस माइनस डेल्टा एच ऑफ सिस्टम, मैंने सराउंडिंग को डेल्टा सिस्टम के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। अब गाइज इस पूरे इक्वेशन को अगर मैं मल्टीप्लाइंग बाय माइनस टी कर दूं, तो व्हाट आई विल गेट, पहली इक्वेशन हो जाएगी माइनस टी डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल्स टू माइनस टी डेल्टा एस। अब गाइस जब कभी कुछ लिखा नहीं रहता तो वो सिस्टम है, तो हम लोग सिस्टम लिखेंगे नहीं, बट हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि वो सिस्टम है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और टी टी कैंसिल आउट हो गया, तो प्लस डेल्टा एच, ठीक है। तो फाइनल इक्वेशन हम लोगों को मिलती है माइनस टी डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस एंड डेल्टा जी, मतलब माइनस टी डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स, माइनस टी डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स इज नथिंग बट डेल्टा जी, इसे हम लोग बोलते हैं डेल्टा जी, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम लोगों को फाइनल इक्वेशन मिलती है डेल्टा जी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, याद रखो दिस इज एप्लीकेबल ओनली एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये हम लोगों को फाइनल इक्वेशन मिलती है जो हम लोगों ने पहले भी बोर्ड्स के लेक्चर में देखा है। गाइस एनी डाउट? चलो ये कंप्लीट कर दो फास्ट, ये लिख दो। गाइज इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं इस डेरिवेशन में जो तुम लोगों को क्वेश्चन के फॉर्मेट में पूछी जाती है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला पार्ट, इवन दिस इज क्वाइट इम्पोर्टेंट। लाइकवाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस डेरिवेशन इज डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग इज माइनस डेल्टा एच ऑफ सिस्टम अपॉन टेम्परेचर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखो यहाँ पे लिख देना चाहिए, तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके डन, आगे बढ़े, ओके हो गया ये। तो गाइस नेक्स्ट
नेक्स्ट इज कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी, ठीक है, कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी गाइस, अभी ये फाइनल कंडीशन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे वापस आईएमपी डाल दो, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं गाइस। याद रखो मैंने तुम लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था, डेल्टा यू, डेल्टा एच, क्यू, डब्ल्यू, ये सारी चीजें जो है ना वो फिजिक्स में भी आती है, उनके ऊपर क्वेश्चन इसलिए ज्यादा पूछे नहीं जाते। बट एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये एक्सक्लूसिवली केमिस्ट्री का पार्ट है, तो केमिस्ट्री में इनके ऊपर ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी, तो यहाँ पे हम लोगों को इतना पता है कि डेल्टा जी इज नथिंग बट माइनस टी डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। अब गाइस अगर डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स ये पॉजिटिव हो, अगर ये पॉजिटिव हो तो रिएक्शन क्या थी, तब रिएक्शन थी स्पॉन्टेनियस। अब मुझे बताओ अगर डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स पॉजिटिव है तो माइनस टी डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स क्या हो जाएगा, मतलब डेल्टा जी क्या हो जाएगा। तो डेल्टा एस अगर पॉजिटिव है तो माइनस ऑफ पॉजिटिव बिकम्स माइनस, तो डेल्टा जी विल बिकम नेगेटिव। ये समझ में आ रहा है, यूनिवर्स की एंट्रोपी पॉजिटिव होनी चाहिए तब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, बट उसी बदले गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होनी चाहिए तब जाके रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। अब सिमिलरली अनदर क्वेश्चन, अनदर एक्सप्रेशन, डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स इफ इट इज नेगेटिव देन रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। इस टाइम पे रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस रहती है गाइस। सिमिलरली डेल्टा जी, अब ये नेगेटिव है तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाता है, तो डेल्टा जी बन जाएगा पॉजिटिव, तो डेल्टा जी अगर पॉजिटिव निकला तो रिएक्शन क्या बन जाती है, तो रिएक्शन बन जाती है नॉन स्पॉन्टेनियस। एंड फाइनली डेल्टा एस ऑफ नेगेटिव अगर जीरो है, डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स अगर जीरो है तो रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम या फिर प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम। तो एट दैट टाइम इवन डेल्टा जी, अब जीरो हो गया तो टेम्परेचर कितना भी हो फाइनल आंसर हम लोगों को जीरो ही आएगा, तो डेल्टा जी भी उस पोजीशन पे जीरो हो जाता है, कोई शक। गाइस इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेके देखते हैं, तुम लोगों को ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन इज फाइंड इफ ए गिविंग यू बी वेयर डेल्टा एच ऑफ दिस रिएक्शन इज 30 किलो जूल एंड डेल्टा एस ऑफ दिस रिएक्शन इज 200, एक मिनट, ठीक है, 200 जूल पर केल्विन इज स्पॉन्टेनियस एट ए 100 केल्विन, बी 150 केल्विन एंड सी 200 केल्विन, ठीक है। तो गाइस दिस इज द क्वेश्चन, अब इसको कैसे सॉल्व करना है वो मैं पहले बताता हूँ। अब याद रखो स्पॉन्टेनिटी के लिए तुम लोगों को जब डेल्टा एच और डेल्टा एस पहले से दिया हो तो तुम लोगों को सबसे पहले डेल्टा जी निकालना है। अब डेल्टा जी ए वाला सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा जी इज नथिंग बट डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। अब गाइस डेल्टा एच कितना दिया है, डेल्टा एच दिया है 300 किलो जूल, माइनस टेम्परेचर कितना दिया है, टेम्परेचर ए के लिए दिया है 100, इनटू डेल्टा एस कितना दिया है गाइस, सॉरी 300 नहीं 30 है, ओके 30 किलो जूल, 30 किलो जूल माइनस 100 इनटू, अब गाइस टेम्परेचर के बाद डेल्टा एस कितना दिया है, तो डेल्टा एस तुम लोगों को दिया है 200 किलो जूल, सॉरी 200 जूल। अब मुझे बताओ 1 किलो जूल है और दूसरा जूल है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को जूल वाले को किलो जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0.2, समझ में आ रहा है कुछ, एंड फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो गाइस आंसर क्या आएगा, 30 माइनस 20, डेल्टा जी की वैल्यू आ रही है 30 माइनस 20, तो फाइनल डेल्टा जी कितना आएगा, फाइनल डेल्टा जी आएगा 10, एंड इसका यूनिट क्या आएगा, इट इज गिब्स फ्री एनर्जी, एंड हम लोगों ने सारे यूनिट किलो जूल में कन्वर्ट किए थे, तो 10 किलो जूल, एंड आंसर प्लस में आ रहा है। तो मुझे बताओ गाइस सिंस डेल्टा जी इज पॉजिटिव, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, सिंस रिएक्शन इज
पॉजिटिव डेल्टा जी इज पॉजिटिव रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस. दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, बताओ जल्दी. नॉन स्पॉन्टेनियस, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो. तो नाउ दिस रिएक्शन हैज बिकम नॉन स्पॉन्टेनियस. ये तुम लोगों को कैसे सॉल्व कर रहे हैं समझ में आ रहे हैं? तुम लोग 150 डिग्रीज के लिए मुझे करके दिखाओगे. मीत करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस. तो चलो गाइस 150 डिग्रीज के लिए क्या आ रहा है बताओ. 150 डिग्रीज, 150 केल्विन के लिए, सॉरी डिग्रीज नहीं है वो, 150 केल्विन के लिए क्या आ रहा है बताओ जरा. व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर 150 केल्विन? स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है? मीत करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस. चलो गाइस यहाँ पे एक ही स्टूडेंट है क्या जिसको ये समझ में आ रहा है? तुम लोगों को सिर्फ किलो जूल्स को जूल्स में कन्वर्ट करना है या फिर जूल्स को किलो जूल्स में कन्वर्ट करना है, इतना ही है इस क्वेश्चन में. परीक्षा करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस. सोहन करेक्ट आंसर है, बहुत टाइम के बाद सोहन का आंसर आ रहा है. बाकी स्टूडेंट्स बताओ आंसर क्या आ रहा है. डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इतना ही करना है. जिन लोगों का 150 के लिए आंसर आ गया वो लोग 200 के लिए निकालो. 200 केल्विन पे क्या हो रहा है? ओके तो गाइज नेक्स्ट, चलो मैं ही बता देता हूँ. तेरा करेक्ट आंसर है. अब गाइज बी, बी के लिए कैसे होगा? डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, करेक्ट. अब डेल्टा एच कितना है? 30 माइनस टेम्परेचर कितना है? 150 इंटू डेल्टा एस कितना है? 0.2. गाइज ये अगर देखोगे तो 30 माइनस 30 हो रहा है विच इज इक्वल्स टू जीरो. एंड जब कभी डेल्टा जी की वैल्यू जीरो आती है तो ये हो जाता है इक्विलिब्रियम, करेक्ट. तो ये हो गया इक्विलिब्रियम. उत्तरा करेक्ट आंसर है, ऋषि करेक्ट आंसर है. अब गाइस तो बचा क्या, 200 केल्विन बच गया. तो 200 केल्विन वाला देख लेते हैं. सी, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. तो गाइस 30 माइनस 200 इंटू 0.2 तो ये हो जाएगा 40. तो 30 माइनस 40 बन जाता है माइनस 10. तो दिस रिएक्शन इज नेगेटिव आया, मतलब ये बन गया स्पॉन्टेनियस, ठीक है. तो स्पॉन्टेनियस एट 200 केल्विन, कोई शक? तो गाइस अगर तुम लोग देखोगे ना, ये 150 वाला टेम्परेचर जो है ना वो बॉर्डरलाइन टेम्परेचर है. इसे हम लोग बोलते हैं टर्नओवर टेम्परेचर, टर्नओवर टेम्परेचर. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्नओवर टेम्परेचर? टर्नओवर टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर रहता है जहां पे रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है. उससे अगर 1 डिग्री कम कर दे तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस भी बन सकती है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस भी बन सकती है. उससे अगर 1 डिग्री बढ़ा भी दे तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस बन सकती है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस बन सकती है. तो इसमें अगर 1 डिग्री का भी चेंज आया तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस भी बन सकती है या फिर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस भी बन सकती है. दिस इज कॉल्ड एज टर्न ओवर टेम्परेचर, बाउंड्री कंडीशन. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इज इट क्लियर? ऐसे टाइप का और एक क्वेश्चन दूं मैं तुम लोगों को, ऐसे टाइप का मैं और एक क्वेश्चन दूं तुम लोगों को. क्वेश्चन, फाइंड इफ रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस ए गिविंग यू 2C. रिएक्शन से कुछ मतलब नहीं रहता हम लोगों को. हम लोगों को डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन देके रखना चाहिए. यहाँ पे मैंने वो देख रखा है 50 किलो जूल, ठीक है. एंड डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन देके रखना चाहिए. और यहाँ पे मैं वो दे रहा हूँ, जूल पर केल्विन, ठीक है. ए ए इज 200 केल्विन. बी सॉरी यहाँ पे एक छोटा सा चेंज कर दो, दोनों को माइनस बना दो, ठीक है. बी इज 250 केल्विन. नहीं रुको, ये दोनों को माइनस कर देना.
इज, अच्छा मैंने वापस सेम रीडिंग्स आएंगी वैसे ही दिया है क्या? 150 केल्विन, बी इज 200 केल्विन एंड सी इज 300 केल्विन। चलो गाइस बताओ, एट व्हाट टेम्परेचर इट इज स्पॉन्टेनियस एंड एट व्हाट टेम्परेचर इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। तुम लोगों को देख के क्या लगता है, मतलब किस टेम्परेचर पे ये स्पॉन्टेनियस होना चाहिए? देख के क्या लग रहा है, एट विच टेम्परेचर दिस रिएक्शन विल बिकम स्पॉन्टेनियस? बताओ चलो जल्दी। ओके मुझे बताओ, हायर टेम्परेचर पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए या लोअर टेम्परेचर पे? पहले वो आंसर दो, मतलब आंसर पहले निकालो मत, तुम लोग मैथमेटिकली जाओगे तो आंसर करेक्ट ही आने वाला है। बट व्हाट डू यू थिंक, एट हाई टेम्परेचर रिएक्शन विल बिकम स्पॉन्टेनियस या एट लो टेम्परेचर? देखते हैं आंसर बताओ। हाई टेम्परेचर पे होना चाहिए, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने इतना ही पढ़ा है ना हमेशा कि हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। तो गाइज अब देखते हैं यहाँ पे वो फॉलो हो रहा है क्या। चलो लेट्स सी, बताओ बताओ। आया क्या आंसर? ए बी सी, ए का आंसर आया। बताओ, फॉर ए एट 150 डिग्री सेल्सियस, सॉरी एट 150 केल्विन, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस? उत्तरा करेक्ट आंसर है। हेलो गाइड्स, फॉर ए रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? ऋषि करेक्ट आंसर है, आदित्य करेक्ट आंसर है, गीत करेक्ट आंसर है। तो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, करेक्ट? अब व्हाट विल हैपन ओवर हियर, डेल्टा एच, वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इज -50 किलो जूल, तो -50 किलो जूल माइनस टेम्परेचर इज 150 केल्विन इनटू एंट्रोपी चेंज विच इज गिवन इज -250 जूल्स, ठीक है? तो -250 जूल्स है, दैट वी हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट इन टू किलो जूल, तो 0.25 किलो जूल। नाउ 150 इंटू 25, ठीक है वो हम लोगों को करना है, तो फर्स्ट विल डू दैट। तो -50 किलो जूल माइनस 15 5 75, 7 कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, 15 2 30, तो ये बन जाएगा 37.50 किलो जूल, ठीक है? एंड माइनस विल बिकम प्लस। ये इतना समझ में आ रहा है कि पहले ये माइनस में रखो, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर माइनस था, देन व्हेन विल ओपन दिस ब्रैकेट देन विल गेट प्लस 37.5, तो प्लस 37.5 -50 प्लस 37.5, ठीक है? एंड योर आंसर विल बिकम -12.5 किलो जूल। गाइस ये समझ में आया क्या? देखो इज इट क्लियर, तो दिस इज द आंसर एंड दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट 150 केल्विन। अब जरा 250 पे देखते हैं, अगर गाइस लोअर टेम्परेचर पे हो रहा है तो 200 पे, हायर टेम्परेचर पे तो होना ही चाहिए, करेक्ट? तो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, -50 -200 इंटू -0.25, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हम लोग जब करेंगे तो -50 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस प्लस 50, तो आंसर आएगा 0, मींस इट इज एट इक्विलिब्रियम, करेक्ट बोल रहे हो आदित्य, करेक्ट आंसर है। दिस इज एट इक्विलिब्रियम, दिस रिएक्शन इज एट दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट 150 केल्विन। एंड गाइस 300 केल्विन हायर टेम्परेचर पे तो रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस होती है, ये हम लोगों ने पढ़ा भी है बहुत बार, ठीक है? तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो -50 माइनस, अब गाइस टेम्परेचर कितना है 300 इंटू
माइनस 0.25, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 75, तो माइनस 50 प्लस 75 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यू विल गेट आंसर एज प्लस 25। अब मुझे बताओ ये पॉजिटिव आया, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस, तो इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस, वेरी नाइस। तो गाइज मुझे बताओ ये कंपलसरी है क्या कि हमेशा रिएक्शन हायर टेम्परेचर पे जाके स्पॉन्टेनियस बने, इज इट कंपलसरी दैट रिएक्शन विल बिकम स्पॉन्टेनियस एट हायर टेम्परेचर, तो नो इट इज नॉट कंपलसरी। नाउ व्हाई इट इज नॉट कंपलसरी, बिकॉज ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तुम लोगों को लीच एटलीस्ट प्रिंसिपल कुछ याद आ रहा होगा, ये रिएक्शन जो है ना इसमें ये रिएक्शन खुद हीट बाहर रिलीज करने वाली है। रिएक्शन का काम क्या है, रिएक्शन का काम है कि हीट को बाहर रिलीज करना, रिएक्शन का काम है कि हीट को बाहर रिलीज करना, तब जाके उसको अच्छा फील होगा, बट तुम लोग उसको जबरदस्ती हीट प्रोवाइड करते जा रहे हो। मुझे बताओ जिस चीज को हीट रिलीज करनी है उसे तुम लोग अगर हीट देते जाओगे तो तुम लोग उसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस बनेगी या नॉन स्पॉन्टेनियस, तो रिएक्शन रिवर्स में जाना स्टार्ट हो जाएगी, इट विल बिकम नॉन स्पॉन्टेनियस। कुछ कोरिलेशन आ रहे हैं, कुछ कोरिलेशन समझ में आ रहे हैं। रिएक्शन ये -150 किलो जूल पे हो रही है, मतलब रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, रिएक्शन को हीट रिलीज करनी है एंड तुम लोग उल्टा उसको और हीट दे रहे हो, गलत कर रहे हो ना, समझ में आ रहा है। यप काइंड ऑफ लाइक दैट रिशी। ओके तो अब फाइनल फाइनल एक टेबल, ठीक है, जिसपे से हम लोग स्पॉन्टेनिटी डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है, प्रेडिक्शन ऑफ स्पॉन्टेनिटी, ये लास्ट टेबल है जो अच्छे से समझ लो, प्रेडिक्शन ऑफ स्पॉन्टेनिटी। ओके तो यहाँ पे हम लोग डेल्टा एच लिखने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग डेल्टा एस लिखने वाले हैं, यहाँ पे टेम्परेचर एंड यहाँ पे रिएक्शन इफ इट इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। गाइस डेल्टा एच अगर नेगेटिव है एंड एंट्रोपी अगर पॉजिटिव है, ये अच्छी बात है, एनर्जी कम हो रही है और रैंडमनेस बढ़ते जा रही है, ठीक है, अगर ये ऐसी कुछ कंडीशन हम लोगों ने लिख दी तो क्या होगा, तो देखो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब डेल्टा एच को हम लोग माइनस एक्स पकड़ ले रहे हैं, ये नेगेटिव है ना, तो इसको माइनस एक्स पकड़ लो, माइनस टेम्परेचर जो भी हो, एंड ये पॉजिटिव है तो इसको वाई पकड़ लो, प्लस वाई। अब मुझे बताओ गाइस माइनस एंड माइनस दोनों की एडिशन माइनस ही रहेगी ना, माइनस और माइनस दोनों की एडिशन नेगेटिव ही रहेगी, तो मुझे बताओ टेम्परेचर कुछ भी हो, टेम्परेचर कुछ भी हो, नेगेटिव तो जा नहीं सकता, तो टेम्परेचर कुछ भी हो, डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस रहेगी, करेक्ट, तो टेम्परेचर कुछ भी हो, एनी टेम्परेचर माइट बी देयर, रिएक्शन इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। अब उसी बदले डेल्टा एच अगर पॉजिटिव कर दिया एंड एंट्रोपी भी पॉजिटिव है, गाइस मुझे बताओ डेल्टा जी नेगेटिव रहना चाहिए, याद रखना डेल्टा जी नेगेटिव रहना चाहिए, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब डेल्टा एच समझ लो पॉजिटिव है, मतलब प्लस एक्स है, माइनस टी डेल्टा एस भी पॉजिटिव है तो वो प्लस वाई है। अब मुझे बताओ प्लस एक्स है और माइनस टी वाई है, तो तुम लोगों को नेगेटिव आंसर चाहिए, नेगेटिव आंसर लाने के लिए टेम्परेचर बहुत हाई लगेगा या बहुत कम लगेगा, एट हाई टेम्परेचर डेल्टा जी विल बी नेगेटिव या एट लो टेम्परेचर डेल्टा जी विल बी नेगेटिव। अगर टेम्परेचर हाई है, हाई टेम्परेचर, तो ये नेगेटिव वाला पार्ट बढ़ जाएगा, एंड टेम्परेचर नेगेटिव वाला पार्ट अगर बढ़ जाएगा तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव बन जाएगी, एंड अगर लो टेम्परेचर करोगे तो लो टेम्परेचर पे प्लस वाली वैल्यू जीत जाएगी, वो ज्यादा है, तो लो टेम्परेचर पे ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो मुझे बताओ रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट विच टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर, उत्तरा करेक्ट आंसर है, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट विच टेम्परेचर, हाई और लो, चलो बताओ जल्दी, हाई टेम्परेचर, गाइस समझ में आ रहा है क्या, हाई टेम्परेचर अगर हम लोग लेंगे तो एट हाई टेम्परेचर ये टेम्परेचर बढ़ जाएगा, नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगी, नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगी तो डेल्टा जी का आंसर नेगेटिव में आएगा, एंड व्हेन डेल्टा जी इज नेगेटिव रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। तो एट हाई टेम्परेचर
रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एंड एट लो टेम्परेचर रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस. गेटिंग इट? यस गाइस. तो अब थर्ड कंडीशन. अब पहले हम लोगों ने एक नेगेटिव एक पॉजिटिव लिया, उसके बाद दोनों पॉजिटिव किए, अब दोनों नेगेटिव करके देखते हैं. तो व्हेन बोथ आर नेगेटिव, व्हेन बोथ आर नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, दोनों के दिनों जब नेगेटिव रहेंगे तो क्या होगा? व्हेन बोथ आर नेगेटिव देन व्हाट विल हैपन? तो गाइस डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. ठीक है, अब दोनों नेगेटिव है तो डेल्टा एच भी नेगेटिव है एंड माइनस टी माइनस वाई. तो गाइस माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. तो माइनस एक्स प्लस टी वाई. अब मुझे बताओ तुम लोगों को नेगेटिव आंसर बड़ा चाहिए तो टेम्परेचर हाई या टेम्परेचर लो? मुझे बताओ इन दिस कंडीशन हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड या लो टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड? लो टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड. वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो. तो गाइज यहाँ पे जब दोनों के दोनों नेगेटिव रहेंगे तो हाई टेम्परेचर अगर यूज किया एट हाई टेम्परेचर रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस. ठीक है, एंड अगर तुम लोगों ने लो टेम्परेचर यूज किया तो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस. ठीक है, एंड गाइस फाइनली ये प्लस बट ये माइनस, अगर ऐसा हम लोग करेंगे तो क्या होगा? तो गाइस तुम लोग ही सोचो, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. अब डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव है तो ये समझ लो प्लस एक्स है, माइनस टी एंड डेल्टा एस माइनस वाई है. तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. तो प्लस एक्स प्लस टी वाई. मुझे बताओ ये आंसर हाँ ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस. क्या बात है, तुम लोगों को खुद से समझ में आ रहा है. तो तुम लोग यहाँ पे कोई भी टेम्परेचर यूज करो, एनी टेम्परेचर माइट बी देयर बट इट इज ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस. इट इज ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस. अब जरा तुम लोगों को एग्जाम्पल हम लोगों ने जो पहले लिए थे उसके ऊपर से एक्सप्लेन करता हूँ. गाइस जब दोनों नेगेटिव रहेंगे, याद रखो इसका शॉर्टकट याद रखना, व्हेन बोथ आर नेगेटिव, माइनस माइनस है तो दोनों अगर माइनस रहेंगे तो टेम्परेचर भी माइनस मतलब कम होना चाहिए. व्हेन टेम्परेचर इज लेस, दोनों अगर माइनस है मतलब दे आर डिक्रीजिंग, दे शुड डिक्रीज, देन टेम्परेचर ऑल्सो इट शुड डिक्रीज एंड एट दैट टाइम रिएक्शन विल बिकम स्पॉन्टेनियस. मीन्स एट लो टेम्परेचर रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस. ठीक है, तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल देखो, जब दोनों के दोनों नेगेटिव थे, जब दोनों के दोनों नेगेटिव थे, डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों नेगेटिव थे, तो लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस 150 केल्विन पे स्पॉन्टेनियस, बट हाई टेम्परेचर पे 300 केल्विन पे नॉन स्पॉन्टेनियस. कुछ एग्जाम्पल याद आ रहे हैं? एंड व्हेन बोथ आर पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव मतलब बोथ हैव हायर वैल्यूज, सो इवन टेम्परेचर शुड हैव हायर वैल्यू, एंड एट हाई टेम्परेचर रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस. एंड व्हेन बोथ आर पॉजिटिव, ये वाला एग्जाम्पल देखो, व्हेन बोथ वेर पॉजिटिव, दोनों के दोनों वैल्यूज पॉजिटिव थी, सो एट हाई टेम्परेचर एट 200 केल्विन रिएक्शन वॉज स्पॉन्टेनियस, बट एट लोअर टेम्परेचर 100 केल्विन रिएक्शन वॉज नॉन स्पॉन्टेनियस. कुछ समझ में आ रहा है, दिमाग में घुसा? ओके, फास्ट राइट इट डाउन. देखो ये ऐसे ही याद रखना, व्हेन बोथ आर पॉजिटिव मतलब बोथ हैव हाई वैल्यूज, देन टेम्परेचर शुड हैव हायर वैल्यू, एट हाई टेम्परेचर रिएक्शन विल बिकम स्पॉन्टेनियस, बट व्हेन बोथ हैव नेगेटिव वैल्यूज दैट मींस इवन टेम्परेचर शुड हैव लोअर वैल्यू, सो एट लोअर टेम्परेचर रिएक्शन बिकम्स स्पॉन्टेनियस. लिख के हो जाए तो मैसेज कर देना.
ओके गाइस, तो चलो कंटिन्यू करें. डन, लेट्स मूव अहेड नाउ. नेक्स्ट इज इक्विलिब्रियम टेम्परेचर. ओके, नाउ इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम टेम्परेचर हम लोगों को याद कर रखना है. मुझे बताओ, फर्स्ट ऑफ ऑल एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी बिकम्स, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी बिकम्स जीरो, करेक्ट? तो डेल्टा जी जीरो रहता है. अब डेल्टा जी जीरो अगर हो जाए तो डेल्टा जी का फॉर्मूला रहता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. अब डेल्टा जी अगर जीरो है तो ये जीरो अगर बन गया तो यू विल गेट डेल्टा एच माइनस इक्विलिब्रियम. इसको अभी हम लोग इक्विलिब्रियम टेम्परेचर बोलेंगे क्योंकि डेल्टा जी जीरो है. एट दिस टेम्परेचर डेल्टा जी बिकम्स जीरो डेल्टा एस. अब ये पॉजिटिव नेगेटिव साइन इस तरफ लेके आ जाओ तो व्हाट यू विल गेट, टी इक्विलिब्रियम इनटू डेल्टा एस इज इक्वल्स टू डेल्टा एच. एंड फाइनली व्हाट यू विल गेट, टी इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस. कोई शक? गेटिंग इट? देखो एकदम छोटी सी डेरिवेशन है, ज्यादा कुछ इसमें बड़ा बड़ी चीज नहीं है. चार्जिंग कम हो गई. इक्विलिब्रियम टेम्परेचर की कंडीशन समझ में आ गई क्या? देखो इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी जीरो, डेल्टा जी की जीरो वैल्यू अगर हम लोग पुट करेंगे तो यू विल गेट जीरो इज इक्वल्स डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. अब टी डेल्टा एस के बदले हम लोग टी इक्विलिब्रियम डेल्टा एस लिखेंगे बिकॉज दैट्स एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है. ठीक है, नाउ विल मूव दैट नेगेटिव साइन टू अदर साइड सो इट विल बिकम पॉजिटिव. सो टी इक्विलिब्रियम डेल्टा एस इज इक्वल्स टू डेल्टा एच. सो टी इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस. अब इसके ऊपर कोई कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं. क्वेश्चन ए गिविंग यू टू बी. नाउ एस एम, एस एम मतलब मोलार एंट्रोपी, एस एम मतलब मोलार एंट्रोपी. ठीक है, एंड मोलार एंट्रोपी फॉर दिस रिएक्शन इज 500 300 एंड 200. ठीक है, डेल्टा एच ऑफ दिस रिएक्शन इज 500, ऐसे पकड़ लेते हैं. ठीक है, नाउ 500 नहीं, बहुत बड़ा हो जाएगा आंसर, 50 किलो जूल पकड़ लेते हैं. चलो 50 किलो जूल. ठीक है, नाउ यू नीड टू फाइंड इक्विलिब्रियम टेम्परेचर. फाइंड टेम्परेचर एट विच रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम. तो तुम लोगों को इक्विलिब्रियम टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, बताओ कैसे वो करोगे. इक्विलिब्रियम टेम्परेचर का फॉर्मूला एकदम सिंपल है, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस. डेल्टा एच तुम लोगों को रेडीमेड देके रखा है बट डेल्टा एस तुम लोगों को देखे नहीं रखा है, तो डेल्टा एस कैसे निकालोगे? ऋषि करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस. तो डेल्टा एस कैसे निकालोगे गाइस? डेल्टा एस तुम लोग निकालोगे, हाँ बाय द वे डेल्टा एस का यूनिट यहाँ पे चाहिए तो लिख देना, जूल पर केल्विन पर मोल. यहाँ पर मोल क्यों आया? बिकॉज यहाँ पे एस एम है, दिस इज फॉर वन मोल. ठीक है, आदित्य करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस. अब गाइस डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या आएगा? डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या रहेगा? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट. ठीक है, अब प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी दी है? 200 दी है. प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी दी है? 200. बट कितने प्रोडक्ट बने थे? दो बने थे, तो 2 × 200, समझ में आ रहा है? मीत करेक्ट आंसर है. माइनस रिएक्टेंट की वैल्यू 300 दी थी तो -300. अब गाइस 400 - 300 कितना हो जाता है? 100 जूल पर केल्विन, समझ में आ रहा है? अब ये तुम लोगों को 100 जूल पर केल्विन मिल गया तो अभी यहाँ पे वैल्यू पुट करो. डेल्टा एच का आंसर कितना आया था? 50 किलो जूल था, तो दिस इज 50 × 1000 कर लो. चलो मतलब ये जूल्स में कन्वर्ट हो गया. एंड नीचे कितना था? 100 था, ये तुम लोगों ने जूल्स में कन्वर्ट किया, दिस इज जूल पर केल्विन. तो होगा क्या? जीरोस कैंसिल आउट हो जाएंगे, दो जीरो यहाँ से कैंसिल, दो जीरो यहाँ से कैंसिल. 50 × 10 यू विल गेट 500. जूल और जूल कैंसिल आउट हो जाएगा, केल्विन इनवर्स विल गो एट अपसाइड
एंड इट विल बिकम केल्विन. दैट्स इट, योर आंसर इज 500 केल्विन. एनी डाउट? ये समझा गया, देखो उत्तरा करेक्ट आंसर था. ओके, इसी टाइप का और एक क्वेश्चन लेते चलो. लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए गिविंग यू बी. फॉर दिस रिएक्शन डेल्टा जी इज गिवन विच इज 300 के जूलो जूल 300 किलो जूल पर मोल. एंड डेल्टा यू इज गिवन विच इज 600 किलो जूल पर मोल. एंड दे आर आस्किंग यू टू फाइंड इक्विलिब्रियम. अब गाइज ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मतलब तुम लोगों को अभी ये डायरेक्ट शायद से फटाक से समझ में आ जाए, बट एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया तो तुम लोग पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाओगे. बिकॉज तुम लोगों को पता है कि टी इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला रहता है डेल्टा एच माइनस डेल्टा एस. इसमें तुम लोगों को डेल्टा एच भी नहीं दिया है और डेल्टा एस भी नहीं दिया है. तो पहली बात मुझे बताओ, तुम लोग डेल्टा एच और डेल्टा एस कैसे निकालोगे? पहली बात मुझे बताओ, डेल्टा एच और डेल्टा एस कैसे निकालोगे? ओके, बाय द वे दिस इज एट 300 केल्विन ना, एट 300 केल्विन. ठीक है, ये जो वैल्यूज दी है दो, वो 300 केल्विन पे अवेलेबल है. ओके, तो अब मुझे बताओ पहली बात डेल्टा एच कैसे निकालोगे? डेल्टा एच कैसे निकालोगे? फ्लोट का यूज करके. ओके, करेक्ट बोल रहे हो. एंड गिब्स के गिब्स फ्री एनर्जी के फॉर्मूला से. वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो. तो गाइस फ्लोट का यूज करोगे तो तुम लोगों को फॉर्मूला पता है, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी. या भूल गए हो, ये फॉर्मूला याद है तुम लोगों को? डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी था, याद है? डेल्टा डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी, ये हम लोगों का फॉर्मूला था. एंड ये फॉर्मूला रिएक्शन के लिए है और ये फॉर्मूला गैसेस के लिए है. दिस फॉर्मूला इज यूज फॉर गैसेस एंड दिस वन इज यूज फॉर रिएक्शन. याद आ रहा है कुछ? ठीक है, तो अब यहाँ पे डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी. अब मुझे बताओ यहाँ पे डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी आई? वॉट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन जी ओवर हियर फॉर दिस रिएक्शन डेल्टा एन जी? अब डेल्टा एन जी है तो ये दोनों गैसेस बना दो. ठीक है, अब डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? जीरो आ गई. वेरी नाइस. तो गाइस अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू जीरो हो गई तो ये पूरी टर्म जीरो हो गई. सो कैन आई से दैट डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू विच इज नथिंग बट कितना दिया है? 600 किलो जूल पर मोल. तुम लोगों को डेल्टा एच की वैल्यू मिल गई, समझ में आ रहा है ये? अब तुम लोगों को गिब्स फ्री एनर्जी की भी वैल्यू देके रखनी है. डेल्टा जी की वैल्यू तुम लोगों को पहले से देके रखिए. तो डेल्टा जी की वैल्यू कितनी है? 300 किलो जूल. अब डेल्टा जी पे से तुम लोग डेल्टा एच निकाल सकते, डेल्टा एस निकाल सकते हो. डेल्टा एच इज इक्वल टू टी, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. ठीक है, नाउ डेल्टा जी इज 300 केल्विन विच इज इक्वल्स टू डेल्टा एच इज 600 केल्विन, 600 किलो जूल माइनस टी. टेम्परेचर गिवन इज 300 इनटू डेल्टा एस विच वी नीड टू फाइंड आउट. ठीक है, तो ये इस तरफ लेके जाओ, 300 इस तरफ लेके आओ. तो 300 इनटू डेल्टा एस इज इक्वल्स टू 600 माइनस 300. तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा? डेल्टा एस इज इक्वल्स टू ये 300 को 300 से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों का आंसर आएगा 1 किलो जूल पर केल्विन. ये आंसर समझा गया? देखो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है गाइस, बट अच्छा क्वेश्चन है ये, समझा? एंड फाइनली अब तुम लोगों को निकालना क्या है? तुम लोगों को टी इक्विलिब्रियम निकालना है. एंड टी इक्विलिब्रियम की वैल्यू हम लोगों के पास पहले से पता है. तो टी इक्विलिब्रियम के लिए फॉर्मूला हम लोगों को पहले से पता है. एंड डेल्टा एच इज 600 डिवाइडेड बाय 1, तो आंसर विल बिकम 600 केल्विन. वेरी नाइस. तो एट दिस टेम्परेचर रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम. अरे कुछ दिमाग में घुसा, समझा क्या ये? देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है बिकॉज इसमें तुम लोगों को कुछ भी नहीं दिया था एंड तुम लोगों को हर एक चीज खुद से फाइंड आउट करनी थी. ठीक है, तो ये मेंस लेवल पे एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन बन सकता है.
ओके अब एक और क्वेश्चन लेते हैं एंड देन विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन इज कैलकुलेट डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेट डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस गिवन दैट रिएक्शन इज 4NH3 गैस प्लस 5O2 गैस गिविंग यू 4NO गैस प्लस 6H2 लिक्विड. ओके एंड दे हैव गिवन दैट substance is and delta E naught of formation is. ठीक है, substance NH3 NO and H2O. ठीक है, NH3 के लिए वैल्यू दी है -16 किलो जूल पर मोल. याद रखो इसका यूनिट इज किलो जूल पर मोल. ठीक है, तो इसके लिए अमोनिया के लिए -16 है, एनओ के लिए 686 है एंड वाटर के लिए -286 है. चलो निकालो इसका आंसर. डेल्टा जी फॉर दिस रिएक्शन इज आई होप तुम लोगों को पता है ऐसे टाइम पे तुम लोगों को क्या करना रहता है. डेल्टा जी ऑफ दिस रिएक्शन वी हैव टू कैलकुलेट एंड इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला समेशन ऑफ डेल्टा जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ जी ऑफ रिएक्टेंट. इतना ही हमें करना है गाइस, नथिंग एल्स. चलो बताओ इसका आंसर, निकालो इसका आंसर जल्दी. ओके तो गाइस O2 के लिए यहाँ पे वैल्यू दी नहीं है. क्यों नहीं दिए बताओ? फॉर्मेशन एनर्जी, याद रखना फॉर्मेशन एनर्जी भले ही वो एंथैल्पी हो या गिब्स फ्री एनर्जी हो ऑफ एलिमेंट्स एलिमेंट्स इज जीरो. ये याद रखना, ठीक है? एलिमेंट्स के लिए फॉर्मेशन एनर्जी जो रहती है वो जीरो रहती है. ठीक है, तो ये याद रखना एंड अभी काउंट करो. चलो जीपी की वैल्यू क्या आएगी बताओ? प्रोडक्ट के साइड पे क्या है? एनओ और H2O है. ठीक है, तो एनओ के लिए वैल्यू दी है 86 एंड 4NO है तो 4 × 86 प्लस 6 वाटर है तो 6 × -286 माइनस रिएक्टेंट साइड पे 4 × -16 है. बस इतना ही तुम लोगों को कैलकुलेट करना है, नथिंग एल्स. Guys, I guess you can calculate it. Okay, उत्तरा ने आंसर भेज दिया है. डेल्टा जी ऑफ दिस रिएक्शन विल कम अराउंड, जो आंसर आया है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक बार फिर सब जन देख लेना. तरह का ये आंसर है. अब मैं ये कैलकुलेट करते नहीं बैठने वाला हूँ गाइज, ठीक है? आई एम नॉट गोना कैलकुलेट इट. तुम लोगों को देखना है, सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो आई गेस तुम लोग ये इजिली कर सकते हो. ये इतना तो तुम लोगों से इजिली हो जाएगा. ओके गाइस, डन हो गया. समझ में आ रहा है हम लोगों को क्या कर रहे हैं? ऐसे टाइप के क्वेश्चन अगर आए तो प्लीज इनको छोड़ के मत आना. सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है और सिंपल मल्टीप्लिकेशन कुछ ना कुछ रहेगा. उतना करके तुम लोगों को इजीली आंसर आ जाएगा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते ही. ठीक है, आगे बढ़े. तो नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन relationship between delta G and equilibrium constant.
गाइज ये इक्वेशन हम लोगों को याद रखनी है, जो तुम लोगों ने इक्विलिब्रियम इस चैप्टर में पढ़ी भी होगी, ठीक है। डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी ln ऑफ क्यू, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डेल्टा जी? डेल्टा जी इज गिब्स फ्री एनर्जी। तो व्हाट इज डेल्टा जी नॉट? डेल्टा जी नॉट, ऊपर नॉट कब आता है? दिस इज इन स्टैंडर्ड कंडीशन। तो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। एंड गाइस, तो फिर क्यू कब आता है? क्यू क्या रहता है? क्यू इज रिएक्शन क्वोशंट। अगर कोई मेरे इक्विलिब्रियम के लेक्चर्स बैठ रहा होगा तो अभी हम लोगों ने रिसेंट में इसके बारे में देखा है, क्यू इज रिएक्शन क्वोशंट, ठीक है। आर इज व्हाट? आर इज गैस कांस्टेंट। इसके हम लोग दो वैल्यूज यूज करते हैं, एक तो हम लोग यूज करते हैं 8.314 विच इज इन जूल पर केल्विन पर मोल, बट इक्वेशन इजी करने के लिए, क्वेश्चन इजी करने के लिए हम लोग इसको लेंगे 25/3। एंड सेकेंड वैल्यू इज 1.987 कैलोरी पर केल्विन पर मोल एंड विच वी विल अज्यूम टू बी टू, ठीक है। फाइनली टेम्परेचर, टेम्परेचर इज नथिंग बट एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, नाउ गाइज रिएक्शन क्वोशेंट क्या रहता है? एक बार तुम लोगों की मेमोरी रिफ्रेश कर देता हूँ, रिएक्शन क्वोशेंट क्या रहता है? तो ए मोल्स ऑफ ए इज रिएक्टिंग विद बी मोल्स ऑफ बी टू फॉर्म सी मोल्स ऑफ सी एंड डी मोल्स ऑफ डी। अब इसमें हम लोग रिएक्शन क्वोशेंट और केसी कैसे लिखते हैं? केसी मतलब इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो केसी इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी रेज टू इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट विच इज सी इन टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी raise to its stoichiometric coefficient which is small d, then concentration of a raise to small a and concentration of b raise to small b. ये हो जाता है हम लोगों का equilibrium constant and this is defined at equilibrium. मतलब ये जो concentration रहता है वो equilibrium पे ही हम लोग measure करते हैं, but ये जो q रहता है ना, q which is reaction quotient, इट इज मेजर्ड एट एनी टाइम, इट इज इट कैन बी मेजर्ड एट एनी टाइम। दोनों की एक्सप्रेशन सेम है, दोनों की एक्सप्रेशन जो है वो सेम टू सेम है, बट डिफरेंस क्या आ जाता है? रिएक्शन क्वोशेंट इज मेजर्ड एट एनी टाइम। बस इतना ही फर्क है गाइस, ठीक है, इतना छोटा सा फर्क है दोनों के बीच में, नथिंग एल्स। तो चलो ये लिख दो, फिर हम लोग इसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करेंगे, इसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस भी लेंगे। कंप्लीट दिस फास्ट। ओके चलो गाइस, लिख के हो गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। नाउ फॉर दिस इक्वेशन व्हाट वी कैन डू, तो एट इक्विलिब्रियम हम लोगों के पास इक्वेशन क्या है? बाय द वे हम लोगों की इक्वेशन है डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एलएन ऑफ के, ठीक है। नाउ गाइस डोंट फॉरगेट दैट स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सी रहती है? स्टैंडर्ड कंडीशन पे
प्रेशर जो है वो बन जाता है 1 bar या फिर 1 atmosphere भी हम लोग ले सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बन जाता है 1 molar एंड टेम्परेचर जो है इट कैन बी एनीथिंग। बट अगर कुछ भी नहीं दिया होगा तो हम लोग पकड़ते हैं 25 degree Celsius, याद रखना ठीक है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे कंडीशन जो है वो फिक्स्ड है, बट टेम्परेचर कैन बी एनीथिंग, इफ नथिंग इज गिवन देन वील कंसिडर इट एज 25 degree Celsius। अब एट इक्विलिब्रियम वॉट विल हैपन, एट इक्विलिब्रियम वॉट विल हैपन टू दिस रिएक्शन। ओके यहाँ पे मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे क्यू था जो मैंने गलती से के लिख दिया, तो दिस इज क्यू। नाउ गाइस एट इक्विलिब्रियम गिब्स फ्री एनर्जी चेंज बिकम्स जीरो एंड क्यू बिकम्स केसी। याद है ना इक्विलिब्रियम डिफाइंड एट इक्विलिब्रियम क्या रहता है, केसी रहता है, तो क्यू बिकम्स केसी ठीक है। इक्विलिब्रियम पे क्यू की वैल्यू केसी के इक्वल हो जाती है, तो अगर ये जीरो बन गया, डेल्टा जी इज जीरो विच इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन, अब ये बन जाएगा क्यू सी, क्यू के बदले के सी, समझ में आ रहा है। एंड फाइनली डेल्टा जी बिकम्स माइनस आर टी एल एन के सी, खत्म, कोई शक। डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी नॉट, ओके। तो ये तुम लोगों का फाइनल आंसर आ गया, देखो एंड लिखो। इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं, चलो अभी फास्ट। क्वेश्चन इज Cu+2 एक्वियस प्लस Zn सॉलिड गिव्स Zn+2 एक्वियस प्लस Cu सॉलिड। नाउ डेल्टा जी नॉट, अब याद रखना डेल्टा जी नॉट मतलब स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी फॉर दिस रिएक्शन इज -21.3 किलो जूल पर मोल ठीक है। अब फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ऑफ दिस रिएक्शन। अब गाइस तुम लोगों को इसका एग्जैक्ट आंसर निकालना नहीं है, तुम लोगों को सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा वो देखना है ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लॉग एंड ऑल वो सब हम लोग डायरेक्ट ले नहीं पाएंगे, तो सोचो इसका आंसर कैसे निकालोगे। बताओ इसका आंसर कैसे निकालोगे, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है गाइस और डेल्टा जी की वैल्यू हम लोगों को देके रखी है। ये क्वेश्चन सेम टाइप का क्वेश्चन 2021 में गेट के एग्जाम में पूछा गया था ठीक है। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन ऑफ के सी ठीक है। अब गाइस हम लोगों को डेल्टा जी नॉट की वैल्यू पहले से देखे रखी है विच इज 21.3 × 1000, याद रखो किलो जूल को जूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा बिकॉज ये आर जो है उसे हम लोगों को जूल्स में लेना है 8.314, समझ में आ रहा है। दिस इज 8.314 मल्टीप्लाइड बाय 300 इनटू एलएन ऑफ केसी। अब गाइस तुम लोगों को दिख रहा होगा ये माइनस माइनस डायरेक्ट कैंसल आउट हो जाएंगे एंड तुम लोगों को आंसर प्लस में आएगा। अब तुम लोगों को एग्जाम में एलएन नहीं दिया रहेगा, तुम लोगों को एग्जाम में लॉग दिया होगा, तो गाइस एलएन को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये पहले हो जाएगा 21,300 करेक्ट है, 21,300 इज इक्वल्स टू 8.314 जिसे हम लोग 25/3 ले सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 2.303 जिसे हम लोग 2.3 ले सकते हैं
मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ केसी। अब ये देखो, 3 वन ज़ा, अच्छा मैंने डायरेक्ट ब्रेन में ही वो कैलकुलेशन कर दिया, लगता है 300, तो 300 ज़ा। ठीक है, अब आगे की कैलकुलेशन तुम लोगों को थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, थोड़ा सा तो वो इजी होने ही वाला है। तो लॉग ऑफ केसी विल कम अराउंड 2021,300 डिवाइडेड बाय 2,500, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, विच इज 2,500 मल्टीप्लाइड बाय 2.3। तो गाइज ये 0,0,0,0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 25 से डिवाइड करना वैसे तो ईजी है, तो वो भी कर देते हैं। लॉग ऑफ केसी विल बिकम 25 से अगर हम लोग डिवाइड करने गए तो 8, बाद में 13 बच गया तो 130, 130 मतलब 25 फाइव जा एंड बाद में वापस 5 मतलब 8.52 डिवाइडेड बाय 2.3। 2.3 से भी डिवाइड करना इतना कुछ बड़ी बात नहीं है गाइज, तो लॉग ऑफ के सी विल बिकम, अब 2.3 से हम लोग जब डिवाइड करने जाएंगे तो ये हो जाएगा 2, बाद में कितना बचा 4, नहीं रुको 2 नहीं आएगा, 3 आएगा ना, 3 तक तो ये आराम से चला जाएगा, 6.9 बच गया, 6.9 मतलब कि 85 माइनस 69 तो 11, वेट अ मिनट, 70, 15, 16, 16, तो 162, 162 मतलब 16.2, तो 16 मतलब 8, अराउंड 8 आ सकते हैं, 8 या फिर 7 पकड़ लेते हैं। ठीक है, 3.7, 3.7 करेक्ट बोल रहा आदित्य, 3.7, 23 से हम लोग अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 3.7 आंसर आएगा। अब गाइज लॉग ऑफ केसी को हम लोगों को एंटी लॉग लेना पड़ेगा केसी निकालने के लिए, एंटी लॉग, एंटी लॉग इज नथिंग बट 10^3.7। एंड गाइज तुम लोगों को अगर पता होगा ये कैसे हम लोग कर सकते हैं, मुझे बताओ लॉग ऑफ 5 कितना रहता है, लॉग ऑफ 5 कितना रहता है, 0.6990 रहता है, विच कैन बी अप्रोक्सीमेटली टेकन एज 0.7, तो लॉग ऑफ 0.75 हो गया, तो इसका आंसर आएगा 5 × 10^2, ये इतना पार्ट वैसे के वैसे रह जाता है, 10^3 विच इज इक्वल्स टू 5,000। गाइज मैंने सोचा था मैं आंसर निकाल के नहीं दिखाऊंगा, मतलब आंसर निकालना इंपॉर्टेंट है ही नहीं यहाँ पे, हम लोगों को नीचे ऑप्शन रहता है, हम लोगों को सिर्फ टेंटेटिव आंसर निकालना है, बट तुम लोग अगर एक्चुअल में ये कैलकुलेशन करके देखोगे तो तुम लोगों को इतना ही आंसर आएगा, चेक कर लेना एक बार बाद में विदाउट कैलसी, तुम लोगों को विदाउट कैलसी इतना आंसर निकालने आना ही चाहिए। ठीक है, तो और हाँ यहाँ पे थोड़े से नंबर इजी आ गए, वी वर लकी, ठीक है, बट स्टिल हाँ, एंड दिस इज द एग्जैक्ट आंसर क्वेश्चन, मतलब मैंने गूगल पे डैनियल सेल की एग्जाम्पल की डेल्टा जी की वैल्यू पहले निकाली और उसके बाद हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया है, तो दिस इज अ क्वेश्चन विद एग्जैक्ट वैल्यूज, इसमें कोई भी राउंड ऑफ या फिर कोई भी अजम्पशंस नहीं है। ठीक है, तो दिस इज अ गुड लेवल ऑफ क्वेश्चन, राइट इट डाउन फास्ट। क्वेश्चन सॉल्व कैसे हुआ समझ में आ रहा है सबको, लॉग ऑफ 5 इज 0.7, तो 0.7 का एंटी लॉग जो होता है वो 5 बनेगा, लोग करके देख सकते हो, 10^3.7, 10^3.7 उसका आंसर तुम लोगों को 5 × 10^3 के अराउंड ही किधर तो आएगा। ओके सो गाइज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज करने की ताकत है ना दुनिया में सिर्फ एक ही पैरामीटर के पास है, कोई बताएगा वो कौन सा पैरामीटर है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज करने की ताकत दुनिया में सिर्फ एक ही पैरामीटर की तरफ है या फिर एक ही पैरामीटर के पास है, कौन से, टेम्परेचर, वेरी नाइस करेक्ट बोल रहे हो, बाय द वे थक नहीं गए हो ना, कंटिन्यू कर सकते हो, ब्रेक नहीं चाहिए ना, ब्रेक अगर चाहिए होगा तो बता देना, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज करने की ताकत एक ही पैरामीटर के पास है विच इज टेम्परेचर, तो टेम्परेचर और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कोरिलेशन वो तो निकालना बनता ही है, मतलब अभी हम लोगों ने गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ लिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ लिया, उन दोनों के बीच का रिलेशन भी देख लिया, तो अब टेम्परेचर के साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे चेंज होता है वो भी तो देखना पड़ेगा, तो गाइस वो भी एक बार देख लेते, चलो नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन, नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन
कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। ओके, तो अब कैसे होगा? देखो, सबसे पहले तो हम लोगों को इतना पता चल गया कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस आर डी एलएन ऑफ के इक्विलिब्रियम, ये हम लोगों को पता चल गया। अब गाइस, वैसे ही मैं डेल्टा जी नॉट के लिए और एक इक्वेशन लिख सकता हूँ, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, सारे के सारे स्टैंडर्ड कंडीशन में। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू, वॉट वी कैन कंक्लूड, वी कैन कंक्लूड दैट माइनस आर टी ln of k equilibrium is equals to delta h naught minus t delta s naught। guys, पूरे equation को अगर मैं divide कर रहा हूं minus rt से, dividing by minus rt, पूरे equation को अगर मैं minus rt से divide कर रहा हूं, तो what I will get? देखो, यहां पे अगर मैं माइनस आर टी से डिवाइड करूंगा, यहाँ पे मैं माइनस आर टी से डिवाइड करूंगा और यहाँ पे मैं माइनस आर टी से डिवाइड करूंगा, तो होगा क्या? पहली बात, मतलब ये माइनस माइनस कैंसिल, आर टी कैंसिल, ठीक है, यहाँ पे एल एन के क्यू बचेगा, यहाँ पे माइनस और ये प्लस हो जाएगा, टी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे नीचे आर बच जाएगा और यहाँ पे इसके नीचे माइनस आर टी वैसे के वैसे रह जाएगा। तो फाइनली वॉट आई विल गेट एल एन ऑफ के क्यू is equals to minus delta h upon r t plus delta s upon r, minus minus plus हो गया। तो final equation is ln of kq, या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं। अब ये जो है वो equation कौन से type की बन गई, y is equals to m x plus c की equation बन गई। हाँ, हर एक के ऊपर नॉट आना चाहिए, ठीक है। अब गाइस, ये अगर इक्वेशन देखोगे तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली इक्वेशन बन गई, और इसका अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करने जाएंगे तो ग्राफ कैसे आएगा, देखो इसका ग्राफ कैसे आने वाला है। वैसे तो बहुत इजी ग्राफ है इसका, ठीक है, कैसे आएगा इसका ग्राफ? फर्स्ट ऑफ ऑल, y एक्सिस पे ln ऑफ k इक्विलिब्रियम आने वाला है, तो ln ऑफ k इक्विलिब्रियम y एक्सिस पे, एंड एक्स एक्सिस पे आने वाला है 1 अपॉन टी, क्योंकि वेरिएबल चाहिए ना, डेल्टा एच नॉट कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो एक्स एक्सिस पे आएगा 1 अपॉन टी, ठीक है। अब मुझे बताओ एम पॉजिटिव है या नेगेटिव है, एम नेगेटिव है, तो इसका ग्राफ जो है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होने वाला ग्राफ रहने वाला है, इसका ग्राफ जो है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होने वाला ग्राफ रहने वाला है, एंड वुज स्लोप इज, इसका स्लोप कितना होगा, तो इसका स्लोप रहेगा, हुज स्लोप इज माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर, एंड ये जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट कितना आ रहा है हम लोगों का, इसका इंटरसेप्ट आ रहा है डेल्टा एस नॉट अपॉन आर। गाइस, इसमें एक छोटा सा अजम्पशन है, यहाँ पे अजम्पशन क्या है पता है तुम लोगों को, डेल्टा एच नॉट जो है वो पॉजिटिव है, ये हम लोगों का अजम्पशन है। एट द सेम टाइम डेल्टा एस नॉट जो है वो भी पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ना, दोनों की वैल्यू प्लस में आ रही है, ये प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब माइनस बन के जा रहा है। बट मुझे बताओ, अगर डेल्टा एच नॉट नेगेटिव होता तो क्या होता? अगर गाइस यहाँ पे डेल्टा एच नॉट तुम लोगों को एग्जाम में डेल्टा एच नॉट अगर नेगेटिव दे दिया तो क्या होगा ग्राफ का, अगर डेल्टा एच नॉट नेगेटिव दे दिया तो ग्राफ का क्या होगा? तो ऐसे टाइम पे गाइस माइनस ऑफ माइनस प्लस बन जाएगा और स्लोप जो है वो पॉजिटिव में चला जाएगा। आर यू गेटिंग इट, मैं क्या बोल रहा हूँ? इंक्रीजिंग स्लोप आएगा। याद रखो, एग्जाम में ये थोड़ा बहुत ऐसे उल्टा सुलटा करके दे सकते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे एक चीज पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम में वो दूसरी कोई चीज पूछेंगे, तो तुम लोगों को उतना तो अंडरस्टैंडेबल रहना चाहिए कि वहां पे जो पूछा गया है उतना तुम लोग चेंज कर पाओ, ठीक है, कोई शक। चलो, कंप्लीट दिस फास्ट, राइट इट डाउन।
तो गाइस जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू कम होते जा रही है। अब वो हमेशा कम होगी ऐसे नहीं है, ठीक है, वो हमेशा कम होगी ऐसे नहीं है। तो यहाँ पे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं के इक्विलिब्रियम की वैल्यू बढ़ते जा रही है, टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं के इक्विलिब्रियम की वैल्यू बढ़ती जा रही है, बिकॉज ये इनवर्स है ना, इसलिए। चलो आगे बढ़े। नाउ नेक्स्ट, अब देखो गाइस, ये तो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, ये इक्वेशन भी तुम लोगों को समझ में आ गई होगी, बट हम लोगों को एक प्रॉपर इक्वेशन चाहिए जो हम लोग क्वेश्चंस में भी यूज करते हैं, ठीक है। तो एट डिफरेंट टेम्परेचर्स T1 एंड T2, दो डिफरेंट टेम्परेचर पे क्या होगा, ठीक है। तो गैस T1 और T2, अब यहाँ पे कैसे होगा, तो सबसे पहले तो हम लोगों की इक्वेशन क्या थी, हम लोगों की इक्वेशन है ln ऑफ के इक्विलिब्रियम। तो T1 पे मैं बोल रहा हूँ कि के इक्विलिब्रियम K1 है, ठीक है, एंड बाकी कुछ चेंज करने जैसा है क्या, डेल्टा एच तो चेंज नहीं होता टेम्परेचर के वाइज, और डेल्टा एस भी चेंज नहीं होगा, तो बाकी सब वैसे के वैसे रहने वाले। तो टेम्परेचर T1 पे के इक्विलिब्रियम जो है वो K1 है, एंड T2 पे के इक्विलिब्रियम जो है वो K2 है, ठीक है। तो गाइज इक्वेशन हम लोगों को क्या मिलेंगी, इक्वेशन हम लोगों को मिलेगी ln of K1 इज इक्वल्स टू डेल्टा S नॉट अपॉन R माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन RT, करेक्ट। एंड दूसरी इक्वेशन क्या मिलेंगी, ln of K2 इज इक्वल्स टू डेल्टा एस नॉट अपॉन R माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन RT2, यहाँ पे T1 और यहाँ पे T2, ये दो इक्वेशन हम लोगों को अभी कोरिलेट करनी है। तो कोरिलेट कैसे करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, तो सब्ट्रैक्टिंग अबव इक्वेशंस, ये नंबर 1 पकड़ लो और ये नंबर 2 पकड़ लो, तो सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1 ठीक है। तो अब ऐसे अगर हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा, तो देखो ln of K2 माइनस, ये कैपिटल K है भूलना मत, ln of K2 माइनस ln of K1 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा तो डेल्टा एस नॉट अपॉन R माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन RT1, इतना पार्ट माइनस 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 डेल्टा एस नॉट अपॉन R माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन RT2, ये ऐसे कुछ मिलेगा। अब गाइस अगर तुम लोग देखोगे तो डेल्टा एस नॉट यहाँ पे प्लस में है और ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये पूरी तरह से कैंसल आउट हो जाएगा, ये कैंसल आउट होते हुए दिख रहा है क्या तुम लोगों को, ठीक है। अब ln of K2 माइनस K1 ये कैसे हो जाएगा, ln of K2 माइनस ln of K1 ये बन जाएगा ln of K2 अपॉन K1, विच इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच नॉट RT1, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस में पहले लिख रहा हूँ, डेल्टा एच नॉट अपॉन RT2 माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन RT1। अब इसमें से हम लोग कॉमन क्या निकाल सकते हैं गाइस, डेल्टा एच नॉट और R कॉमन निकल जाएगा, तो ln of K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट अपॉन R 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1, समझ में आ रहा है। एंड फाइनली ये इक्वेशन हम लोग कैसे अरेंज करते हैं, ln of K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट अपॉन R
टू ओके गाइस, वही सोचो इक्वेशन गलत क्यों आ रही है। एक्सट्रीमली सॉरी, हम लोगों ने 2-1 किया था ना, तो यहाँ पे 2 पहले आना चाहिए, उल्टा आना चाहिए। यहाँ पे 2 पहले आना चाहिए था और 1 बाद में आना चाहिए था, हम लोगों ने ये थोड़ा सा उल्टा लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पहले आना चाहिए था और 1, 2-1 किया था हम लोगों ने, तो 2-1 मतलब 2 पहले आएगा, 1 बाद में आएगा। तो अब यहाँ पे माइनस ऑफ t1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड यहाँ पे t2 माइनस रह जाएगा, एंड सेम यहाँ पे होगा। ओके, तो यहाँ पे 2 और 1, सॉरी यहाँ पे 1 और 2। अब बाद में मल्टीप्लीकेशन होने मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद t2 माइनस t1 अपॉन t1 t2। ठीक है, तो ये हम लोगों को फाइनल इक्वेशन मिलती है, ये हम लोगों को फाइनल इक्वेशन मिलती है गाइस। दिस इज द फाइनल इक्वेशन विच वी गेट, एंड ये इक्वेशन किसके साथ रिजेंबल कर रही है बताओ जरा मुझे, ये इक्वेशन कौन से इक्वेशन के साथ रिजेंबल कर रही है? दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर, केसी, केपी, केडब्ल्यू, केए, केबी, के आई, के एस पी, वेपर प्रेशर एंड वॉट नॉट, इवन के स्मॉल के, रेट कॉन्स्टेंट। ठीक है गाइस, अब रेट कॉन्स्टेंट के लिए हम लोग जब ये यूज करते हैं तो ये अरनियज इक्वेशन जानी जाती है। अरनियज इक्वेशन याद है कुछ? अरनियज इक्वेशन देखिए, बचपन में कभी पढ़ा था हम लोगों ने 3-4 महीने पहले, तो ये इक्वेशन अरनियज इक्वेशन को ही रिसेंबल करती है, उसके जैसी ही इक्वेशन है। एंड चलो लिख दो, इसे कंप्लीट कर दो, थियरी का बहुत हम लोगों ने पार्ट देख लिया। इस इक्वेशन के ऊपर अभी हम लोग क्वेश्चन ही लेने वाले हैं, बिकॉज इक्विलिब्रियम में भी तुम लोगों ने इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, सिमिलरली तुम लोगों ने अरेनियस इक्वेशन में इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किए हैं। ओके, केस का फुल फॉर्म देखो गाइस, केसी मतलब इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, केपी मतलब इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, KW मतलब आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, KW मतलब आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, KA मतलब एसिड कांस्टेंट। ठीक है, KW मतलब एसिड कांस्टेंट, KB मतलब बेसिक कांस्टेंट। ठीक है, KI मतलब आयनाइजेशन कांस्टेंट, KSP मतलब सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, एंड वेपर प्रेशर मतलब वेपर प्रेशर। जब KSP मतलब सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, लिख दो ऐसे, कंप्लीट कर दो। इस फॉर्मूला के ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चंस इक्विलिब्रियम में भी सॉल्व किए हैं, इस फॉर्मूला के ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चंस केमिकल काइनेटिक्स में भी सॉल्व किए हैं, इस फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चंस हम लोगों को सॉल्यूशंस में भी सॉल्व करने चाहिए थे एक्चुअली में, बट उस टाइप का क्वेश्चंस मैं सॉल्व नहीं करवा पाया बिकॉज ऑफ टाइम रेस्ट्रिक्शन, बट इस फॉर्मूला का यूज हम लोगों ने बहुत बार किए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जगहों पे ये काम आता है, याद रखना इसे। ओके सो गाइस, नाउ वी कैन टेक अ स्मॉल ब्रेक एंड विल कंटिन्यू एट
यस गाइस, तो कंटिन्यू करें, ब्रेक इज हुआ नाउ। लास्ट टॉपिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, फिर हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर पाएंगे, विच इज क्लॉजियस इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो व्हाट आर क्लॉजियस इनइक्वालिटीज? लास्ट टॉपिक इज क्लॉजियस इनइक्वालिटीज। तो गाइस, व्हाट आर क्लॉजियस इनइक्वालिटीज? अगर तुम लोगों को याद होगा, हम लोगों ने एंट्रोपी के लिए क्या लिखा है, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। अब ये एंट्रोपी की डेफिनेशन कहाँ से आई थी? तो गाइस, एक रहता है सोर्स, सोर्स इंजन को कुछ हीट सप्लाई करता है। अब सोर्स की हीट जो रहती है वो रहती है क्यू वन, एंड ये हीट इंजन की तरफ जाती है। अब इंजन की तरफ जाने के बाद ये हीट इंजन जो है वो यूटिलाइज करता है, एंड दिस हीट इज कन्वर्टेड इन टू वर्क डन, करेक्ट। एंड फिर बाकी की जो हीट है वो हम लोग पास करते हैं सिंक की तरफ। बाकी बची हुई हीट जो कि वर्क डन में कन्वर्ट नहीं हुई वो हम लोग पास करते हैं सिंक की तरफ, एंड दिस हीट इज क्यू टू। पहले मुझे बताओ, यहाँ पे इनिशियल हीट एंड फाइनल हीट, मतलब सिंक में जो हीट जाएगी एंड इनिशियल सोर्स की हीट, दोनों में हायर वैल्यू किसकी रहनी चाहिए? दोनों में हायर वैल्यू किसकी रहनी चाहिए बताओ जरा मुझे, दोनों में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी रहेगी? सिंक के हीट की वैल्यू ज्यादा रहती है या सोर्स के हीट की वैल्यू ज्यादा रहती है? अरे बोलो, मतलब तुम लोगों ने 10 जूल का पेट्रोल यूज किया एंड सराउंडिंग में तुम लोगों ने 12 जूल की एनर्जी पास की, ये पॉसिबल है क्या? मुझे बताओ, 10 जूल का पेट्रोल यूज करके सराउंडिंग में तुम लोगों ने 12 जूल की एनर्जी पास की, ये पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं होता गाइस ऐसा। तो सोर्स की हीट हमेशा ज्यादा रहती है, याद रखना, सोर्स की हीट हमेशा ज्यादा रहती है, मतलब क्यू वन की वैल्यू हमेशा ज्यादा रहेगी, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ क्यू वन इज हायर, एंड हम लोगों ने ये एक फॉर्मूला देखा था, नीटा की वैल्यूज किससे आती है? नीटा की वैल्यूज आती है क्यू वन माइनस क्यू टू अपॉन क्यू वन, या फिर ईटा की दूसरी इक्वेशन क्या रहती है, टी वन माइनस टी टू अपॉन टी वन। इनमें हम लोगों ने कॉमन निकाला था सब कुछ, तो हम लोगों को मिलता है 1 माइनस क्यू टू अपॉन क्यू वन, या फिर यहाँ पे मिलता है 1 माइनस टी टू अपॉन टी वन, ठीक है। अब इन दोनों को हम लोगों ने कोरिलेट किया, एंड कोरिलेट करने के बाद हम लोगों को पता चला कि क्यू टू अपॉन क्यू वन इज इक्वल्स टू टी टू अपॉन टी वन। अब गाइस, फाइनली हम लोगों को क्या मिलता है? फाइनली हम लोगों को मिलता है क्यू टू अपॉन टी टू इज इक्वल्स टू क्यू वन अपॉन टी वन। ये इक्वेशन हम लोगों को लास्ट में आती है, एंड इस इक्वेशन को अगर हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज करें, अगर इस इक्वेशन को हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज करें, तो वॉट आई विल गेट क्यू टू अपॉन टी टू माइनस क्यू वन अपॉन टी वन इज इक्वल्स टू जीरो, करेक्ट और रॉन्ग, ये समझ में आ रहा है क्या? बट गाइज, मुझे बताओ, दिस कंडीशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? इंटीग्रेशन, कौन सा इंटीग्रेशन? तो साइक्लिक इंटीग्रेशन, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, तो साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ क्यू अपॉन टी इज इक्वल्स टू जीरो। ये कैरनॉट साइकिल की बात हो रही है ना, कैरनॉट साइकिल इज अ साइक्लिक इंजन, याद है फिजिक्स में कभी पढ़ा था किसी जमाने में, ठीक है। तो कैरनॉट साइकिल इज अ साइक्लिक इंजन, एंड साइक्लिक इंजन है तो साइक्लिक इंजन के लिए क्यू अपॉन टी की वैल्यू हमेशा जीरो रहेगी, ये करेक्ट है क्या? दिस इज करेक्ट फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, दिस इज ट्रू फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, कोई शक? ये समझ में आ रहा है क्या? देखो, ठीक है। अब गाइज, नेक्स्ट दूसरा क्या हम लोग लिख सकते हैं, मुझे बताओ, क्यू टू कभी ज्यादा हो सकता है क्या? क्यू टू कभी भी ज्यादा हो सकता है क्या? क्यू टू की वैल्यू कभी भी हायर हो सकती है क्या? नहीं, दिस इज ऑलवेज लोअर, बराबर, ये हमेशा छोटा होना चाहिए। तो ये अगर हमेशा छोटा है, तो मुझे बताओ, क्यू टू अगर हमेशा छोटा है, तो क्यू टू अपॉन टी टू माइनस क्यू वन अपॉन टी वन, अगर क्यू टू की वैल्यू हमेशा छोटी रहेगी, तो क्यू वन की वैल्यू हमेशा बड़ी रहेगी, तो
Q1 की वैल्यू अगर हमेशा बड़ी है, मतलब नेगेटिव साइन अगर हमेशा बड़ा है, तो कैन आई राइट दैट इट इज ऑलवेज नेगेटिव? ये किसके लिए ट्रू होगा मुझे बताओ? ये सेकेंड कंडीशन क्यू अपॉन टी इज लेस देन जीरो, ये किसके लिए है? ये सारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए है। गाइज याद रखो, हम लोग बाइक चलाते हैं तभी भी, देख लो तुम लोग पेट्रोल बहुत ज्यादा यूज करते हो, बट एनर्जी जो सराउंडिंग को जाती है, फिर सिंक में जो एनर्जी जाती है वो बहुत कम रहती है। हम लोग जब गाड़ी चलाते हैं तभी भी सेम होता है। अगर हम लोग कोई भी एलपीजी का सिलेंडर भी अगर हम लोग यूज करें तो उसमें सोर्स में एनर्जी बहुत ज्यादा रहती है, बट खाना पकाते वक्त थोड़ी एनर्जी यूटिलाइज होती है, एंड सिंक की तरफ बहुत कम, मतलब सराउंडिंग में बहुत कम एनर्जी चली जाती है। तो दिस इज ट्रू फॉर ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है? एंड ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर इररिवर्सिबल, वो रिवर्स में नहीं जाती, वो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, तो इररिवर्सिबल प्रोसेस लिए ट्रू रहता है। बट गाइस मुझे बताओ, Q2 अपॉन T2 माइ Q2 अपॉन T2 माइनस Q1 अपॉन T1 इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब तुम लोग 12 जूल का पेट्रोल भर रहे हो एंड तुम लोगों को 15 जूल की एनर्जी मिल रही है, ये पॉसिबल है क्या? तुम लोग 12 जूल का पेट्रोल भर रहे हो और तुम लोगों को 15 जूल की एनर्जी मिल रही है, तब जाके Q2 बड़ा होगा ना, एंड Q2 जब बड़ा होगा तब जाके ये वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। तो इज इट पॉसिबल, इज दिस प्रोसेस पॉसिबल? इट इज नेवर पॉसिबल, करेक्ट बोल रहे हो। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्यू अपॉन टी ग्रेटर देन जीरो, दिस इज इम्पॉसिबल एंड दीज आर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, गाइस। थर्मोडायनेमिक्स पार्ट टू यहाँ पे खत्म होता है, मतलब डेल्टा एस और डेल्टा जी के बारे में हम लोगों को जितनी भी चीजें पता करनी थी वो हम लोगों की कंप्लीट हो गई है। नाउ विल स्टार्ट विथ थर्मोकेमिस्ट्री, ठीक है? थर्मोकेमिस्ट्री का आज हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो प्लीज राइट इट डाउन, कंप्लीट दिस, पहले ये लिख के कंप्लीट कर दो। क्लॉजियस इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज ये है बाय द वे, याद रखो ये सब मैंने प्रूफ डेरिवेशन करके बताया है, डिराइव करके बताया है, बट तुम लोगों को ये ग्रीन में लिखा हुआ जो है वही याद रखना है। क्लॉजियस इनइक्वालिटी नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, इतना ही याद रखना है। भले तुम लोगों को डेरिवेशन याद ना रहे, तुम लोगों को ये तीन ग्रीन ग्रीन में लिखे हुए लाइंस जो है वो पता रहनी चाहिए। ओके तो गाइस आगे बढ़े, हो गया लिख के। नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ थर्मोकेमिस्ट्री, ठीक है? इसका हम लोग जस्ट इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखने वाले हैं, ठीक है? एंड देन विल स्टॉप। लेट्स स्टार्ट विथ थर्मोकेमिस्ट्री, ये अभी एक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है? लास्ट टॉपिक इज थर्मोकेमिस्ट्री, ठीक है? तो नाउ गाइस इन केस ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री यहाँ पे हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो इसमें कंटेंट क्या क्या रहने वाले हैं, हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं वो देख लेते हैं एक बार। तो गाइस सबसे पहले तो हम लोग पढ़ने वाले हैं लेवोजियर्स लॉ, लैपलेस लेवोजियर्स लॉ, लेवोजियर्स लॉ ही लिख देते हैं सिर्फ, लेवोजियर्स लॉ एंड हेस लॉ, ठीक है? दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है? तीसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज,
कौन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज रहती है, ठीक है। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन याद होगा तुम लोगों को थोड़ा बहुत, विच इज रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा एच एफ, ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन। एंथैल्पी ऑफ कंबशन विच इज डेल्टा एच ऑफ कम, ठीक है, कंबशन के लिए। थर्ड हम लोग पढ़ने वाले हैं बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी, ये तीनों के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बॉन्ड एंथैल्पी एंड फॉर्मेशन एंथैल्पी, दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, बीई। चौथा हम लोग पढ़ने वाले हैं एंथैल्पी ऑफ आइसोमराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ आइसोमराइजेशन। फिफ्थ हम लोग पढ़ेंगे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ये सारे अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बचे, ठीक है, मतलब इनके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बट फिर भी वी शुड नो इट। थर्ड हम लोग पढ़ने वाले हैं एंथैल्पी ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस एंथैल्पी। ये तो तुम लोगों ने एरोमेटिसिटी में भी पढ़ा रहेगा, पढ़ा है कि नहीं है, या फिर नहीं पढ़ा होगा तो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। सेवेंथ हम लोग पढ़ने वाले हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, विच इज इंपॉर्टेंट। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पहले से देख के रखा है, अगर तुम लोगों को याद होगा तो, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन के बाद हम लोग देखने वाले हैं एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक चेंज। एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक चेंज, आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक चेंज, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन, एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन, बस मतलब एंथैल्पी पढ़ते पढ़ते ही ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। दो लेक्चर लगेंगे एंड दो लेक्चर में इतना कंटेंट हम लोग इजीली कवर कर पाएंगे। इसमें और कुछ भी नहीं यूज होता गाइस, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट या फिर रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, इतना करना है सिर्फ गाइस। इतना कर पाओगे नहीं कर पाओगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट या फिर रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कब कौन सा यूज कर रहे हैं वो मैं तुम लोगों को पढ़ा दूंगा। तो इसमें किसी को कुछ डाउट, एनी डाउट हुआ या? ओके, तो चलो एक फर्स्ट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे इंट्रोडक्शन में, हेस लॉ एंड लेवाजियर्स लॉ, ठीक है। तो लेवाजियर्स लैपलास लॉ, लेवाजियर्स लैपलास लॉ फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। लेवाजियर्स लैपलास लॉ, लेवाजियर्स लैपलास लॉ, लेवाजियर्स एंड लैपलास। ओके गाइस, सॉल्ट एनालिसिस टेंशन बिल्कुल भी, मतलब मेंस पॉइंट ऑफ व्यू जितना रिक्वायर्ड रहता है, फ्लेम टेस्ट बोल लो या फिर तुम लोगों की प्रेसिपिटेशन के टेस्ट बोल लो या फिर जो भी तुम लोगों को एक्स्ट्रा की चीज टेस्ट लगती है, रेसलर्स रिएजेंट टेस्ट बोल लो या फिर नाइट्रेट की टेस्ट बोल लो, वो सब मैंने पी ब्लॉक में हर एक जगह पे, छोटे छोटे जगहों पे कवर कर दिया है। एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू जो हम लोगों को स्टडी करना है वो मैं तुम लोगों को कराऊंगा, डोंट वरी। पहले हम लोग ये सब कर ले रहे हैं, मतलब जेई मेन्स और रिविजन हम लोगों का कम्प्लीट करेंगे, उसके बाद एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू जो सॉल्ट एनालिसिस बाकी है वो मैं कवर कराऊंगा। ओके, सो लेवाजियर्स लॉ बहुत सिंपल लॉ है। व्हेन अ रिएक्शन इज रिवर्स, व्हेन अ रिएक्शन इज रिवर्स, रिएक्शन इज रिवर्स, इट्स थर्मोकेमिकल नेचर, इट्स थर्मोकेमिकल नेचर, रिवर्सेस। मतलब क्या? तो देखो, अगर मेरे पास कोई एक रिएक्शन है ए गिविंग मी बी एंड इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू है प्लस एक्स किलो जूल पर मोल समथिंग, ठीक है, तो ये रिएक्शन अगर मैंने रिवर्स कर दी, बी गिविंग यू ए ऐसे कर दी, तो इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू हो जाएगी माइनस एक्स किलो जूल पर मोल, खत्म, एज सिंपल एज दैट, कोई शक? ये समझ में आ रहा है क्या? देखो इतना ही है लेवाजियर्स लैपलास लॉ, जो कि सिर्फ नाम के लिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए, ठीक है। अब सेकंड लॉ आता है हेस लॉ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये करके हम लोग खत्म कर देंगे आज का लेक्चर।
एस लॉ, ठीक है। सो एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन रिमेन्स कॉन्स्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन रिएक्शन, ठीक है। तो अब ये कैसे होता है, देखो अब समझो कि मुझे ए से डी बनाना है, मुझे क्या बनाना है, ए से डी बनाना है। अब ए से डी बनाने के लिए मुझे एंथैल्पी चेंज लगती है डेल्टा एच। अब यही रिएक्शन मैं सीधे ना जाते हुए उल्टा जा सकता हूँ, मतलब उल्टा या फिर एक से ज्यादा स्टेप्स में जा सकता हूँ। पहले मैं ए को कन्वर्ट करूंगा बी में, पहले मैं ए को कन्वर्ट करूंगा बी में, फिर बी को कन्वर्ट करूंगा सी में, एंड फिर सी को कन्वर्ट करूंगा डी में। तो यहाँ पे ये डेल्टा एच वन लगा, डेल्टा एच टू लगा, एंड डेल्टा एच थ्री लगा। अब हम लोगों का लॉ क्या बोल रहा है, तुम लोग ए से डी में डायरेक्टली जाओ, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन रिमेन्स कॉन्स्टेंट इरेस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ स्टेप्स। मतलब तुम लोग इसे एक स्टेप में करो या फिर एक दो तीन, तीन अलग अलग स्टेप्स में करो, डेल्टा एच हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा। मतलब क्या, तो डेल्टा एच इज नथिंग बट डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री, कोई शक? गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ये समझ में आया? तुम लोग इसे एक स्टेप में कवर करो या तुम लोग इसको तीन चार स्टेप्स में अलग अलग स्टेप्स में कवर करो, डेल्टा एच की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, इतना ही है। मतलब ए टू बी, ए टू डी डायरेक्ट जाओ, या फिर पहले बी में कन्वर्ट हो, फिर सी में कन्वर्ट हो, फिर डी में कन्वर्ट हो, दैट्स इट, इतना ही है गाइस। समझ में आ रहा है क्या? देखो ये समझ में आ रहा है क्या? देखो अब देखो, अगर मैं तुम लोगों को बोलूं कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, इसी को मैं एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में दे रहा हूं, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच वन, डेल्टा एच वन एंड डेल्टा एच टू एंड डेल्टा एच थ्री। मतलब तुम लोगों को ए टू बी डेल्टा एच वन का रिलेशन बाकियों के साथ कर रहे हैं, तो वो कैसे होगा? गाइस देखो, तुम लोग ए टू बी डायरेक्ट जाओ, तुम लोग ए टू बी डायरेक्ट जाओ, मतलब तुम लोग डेल्टा एच वन डायरेक्ट करो, या फिर पहले तुम लोग ए टू डी जाओ, उसके बाद डी टू सी जाओ, उसके बाद सी टू बी जाओ, कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट एक छोटा सा फर्क आ रहा है। मुझे बताओ, ये तो सीधा ही जा रहे होंगे, बट यहाँ पे डी टू सी जा रहे हैं तो उल्टा हो रहा है, उल्टा होगा तो क्या होगा मुझे बताओ? यहाँ पे लेवाज़ियर्स लैपलास लॉ यूज होगा। मुझे बताओ, तुम लोग अगर रिएक्शन को उल्टा करोगे तो डेल्टा एच थ्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? गाइस आई एम आस्किंग यू वन क्वेश्चन, मुझे बताओ, नेगेटिव हो जाएगी। वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो उम्मीद। तो ए टू डी तो तुम लोग डायरेक्ट चले जाओगे, मतलब डेल्टा एच वन इज नथिंग बट डेल्टा एच, बट अभी ये डी टू सी उल्टा जा रहे हैं तो डेल्टा एच थ्री का माइनस डेल्टा एच थ्री हो जाएगा, एंड सी टू बी भी उल्टा जा रहे हैं तो डेल्टा एच टू का भी माइनस डेल्टा एच टू हो जाएगा। गाइस ये समझ में आ रहा है? दिस इज हेस लॉ, जो कि बहुत बार यूज होता है और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। अगर ये इतना समझ में आ गया होगा तो नेक्स्ट टाइम हम लोग क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे, बेशक। ओके सो गाइस, विद दिस वी कैन स्टॉप दिस लेक्चर ओवर हियर। टिल देन, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। जिनका लिखना बाकी है, दे कैन कंटिन्यू राइटिंग इट।